नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। दोस्तों, रिक्रूटमेंट की ये नोटिफिकेशन आई है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, जहां पर वैकेंसी निकाली गई है नाविक जनरल ड्यूटी के लिए। 12वीं पास सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन नहीं की गई हैं। ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी है, जिसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस नोटिफिकेशन से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें, जो आवेदन करने से पहले आपको जानना ज़रूरी है। मगर उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल रोजगार अवसर सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दबाएं बेल आइकन, ताकि आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आई। 2019 की पहली नोटिफिकेशन है ये इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, जहां पर वैकेंसी निकाली गई है नाविक जनरल ड्यूटी के लिए। नाविक जनरल ड्यूटी दोस्तों ये पोस्ट का नाम है। ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी, यानी आप देश के किसी भी कोने में हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन नहीं की गई है, पर जल्दी ही इसकी भी जानकारी नोटिफिकेशन के अंदर दे दी जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसकी जानकारी सभी तक पहुंच जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10+2 अगर आपने किया हुआ है मैथ और फिजिक्स के साथ, 50% अंकों के साथ, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ये 50% का जो क्राइटेरिया है SC ST के लिए घट करके 45% रह जाता है, और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए कैंडिडेट जिन्होंने स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन प्राप्त की है, वो भी इसके लिए 45% क्राइटेरिया के अंडर आते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो अच्छी बात यह है कि कोई भी आवेदन शुल्क किसी भी कैटेगरी के लिए इस वैकेंसी के लिए नहीं रखा गया है। तो दोस्तों, बिना कोई देरी करते हुए आप इसके लिए आवेदन कर दें। सिलेक्शन प्रोसेस को कुल मिलाकर के 3 चरणों में बांटा गया है, रिटन एग्जाम, उसके बाद फिजिकल टेस्ट और आखिरी में मेडिकल एग्जामिनेशन। जहां तक सैलरी की बात है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो सैलरी की तरफ से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 21,700 रुपये पर मंथ का पे स्केल दिया जा रहा है, जिसमें TADA और HR इंक्लूड हो जाने के बाद ये सैलरी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो सैलरी की तरफ से बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि joinindiancoastguard.gov.in है। वहाँ पर जाकर के आप फॉर्म फिलअप करेंगे और उस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। साथ में उस फॉर्म को PDF फॉर्मेट में सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो 21 जनवरी 2019 से इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और 31 जनवरी 2019 तक इसके लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। तो बहुत ही कम वक्त है दोस्तों, इस 10 दिनों के अंदर आपको इसके लिए आवेदन कर देना है। एज लिमिट भी अच्छी खासी दी जा रही है, 18 से लेकर के 22 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि OBC कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल रखी गई है और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 27 साल रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट जैसा कि मैंने आपको बताया, www.joinindiancoastguard.gov.in है, जिस पर जाकर के आपको सारी ज़रूरी जानकारी मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आवेदन करने का लिंक और इस पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर जाकर के आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं और इस पूरी नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आखिरी में करना चाहूँगा, अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो एक बार पूरी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, उसी के बाद आवेदन करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को इस वैकेंसी के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, अगर आप भी पाना चाहते हैं सबसे जल्दी अपडेट्स किसी भी लेटेस्ट सरकारी नौकरी के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर के आते हैं लेटेस्ट सरकारी नौकरी से जुड़ी खबरें सबसे पहले।